हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका सिचुएशन क्या है, हाल क्या है उनका, और शाम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, आप सबके लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स, चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस से आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, जो क्वेश्चन इनके मन में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्वेश्चन क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या है उनका सिचुएशन। मून, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, या तो सही से नहीं हो रही है, गुड हेल्दी वे में नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गया है बात नहीं किया इन्होंने आपसे, डाउट करते हो आप दोनों, या तो इस पर्सन ने आपसे आप पर डाउट किया, या तो आप इन पर डाउट करते हो, भरोसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिश्ते में। कभी बातचीत होती है आप दोनों का, कभी बातचीत नहीं होता है, और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में। कोई ऐसे पर्सन ज़रूर हैं जो कि ब्रेन वॉश करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कान के कच्चे हो, अगर कोई आपको भड़काते हैं तो आप उनके बात में आ जाते हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कान के कच्चे हैं, ठीक है। या अगर आप दोनों को नहीं पता कि कौन है वो पर्सन जो कि ब्रेन वॉश करते हैं, कोशिश यही कीजिएगा कि कोई तीसरा पर्सन को आप दोनों के बीच इन्वॉल्व ना कर सको, जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों ही तक सीमित हो, आप दोनों ही सुलझा सको, उस तीसरे पर्सन को आप दोनों के बीच आपके मैटर में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, फैमिली के कोई मेंबर हैं, रिश्ता आप दोनों का है, आप दोनों तक ही सीमित होना चाहिए। आप दोनों खुलकर बातें कीजिए, ना कि वो तीसरे पर्सन से कैसे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ब्रेन वॉश हो रहा है, या तो भड़काया जा रहा है, कान भरा जा रहा है। आपके पार्टनर उदास हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिश्ते में, कंटिन्यूसली बात नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इससे आपके पार्टनर निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी और से बातें कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, अगर ये पर्सन किसी और से बात कर रहे थे वहाँ पर इनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, और अब ये पर्सन आपका अहमियत जान रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर नहीं जाना था, आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं जाना था, आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में जाकर, आपसे दूर जाकर आपको बहुत याद करने लगे हैं। आपके पार्टनर को अपने प्यार का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, जाने अनजाने में इनको आपसे बेहद बेइंतहा वाला प्यार हो गया है। ये पर्सन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पर कंट्रोल करना पड़ रहा है इनको, कोई सिचुएशन के वजह से, कोई कंडीशन के वजह से, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस वजह से। ये पर्सन चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपका राह देख रहे हैं, आपका राह देखते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको प्रपोज करो, अगर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हुआ है लव तो, ठीक है। और क्या इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, हील करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ते का एंड हो क्या है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर, उस बात को लेकर काफ़ी दर्द में है। अभी तक ये पर्सन आपके ब्रेकअप के दर्द को, आप दोनों के सेपरेशन के दर्द को भूले नहीं हैं, बाहर नहीं आए हैं उस चीज़ से। जब भी ये पर्सन याद करते हैं आप दोनों का, किस तरह से ब्रेकअप हुआ था, लास्ट टाइम बातचीत हुआ था, क्या क्या बातचीत हुआ था, आप दोनों के बीच डाउट है, थर्ड पार्टी है, आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, इस पर्सन ये सोच सोच कर काफ़ी दर्द में मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, कहना क्या चाहते हैं, हैप्पी फैमिली हो आप दोनों का। इस पर्सन ने ख्वाब देखा था आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का, पर आज ये पर्सन अकेले रह गए हैं, इनका प्यार इनसे दूर है, तो ये पर्सन बहुत अलोन फील कर रहे हैं। मन करता है कि आपको वो सब दे जो आप डिज़र्व करते हो, मन करता है आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का, मन करता है आपके साथ फैमिली बनाने का, मन करता है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह जीने का, रहने का, पर कोई सिचुएशन है, कोई मजबूरियाँ हैं जो कि इनको रोक रहा है, कोई कंडीशन सिचुएशन कोई मजबूरियाँ इनको रोक रहा है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है।
यूनिवर्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिश्ते के लिए आगे क्या करने जाने, आगे क्या करेंगे जहाँ जो इस पर्सन ने आपसे प्रॉमिस किया था, ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, आपका जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लड़का है लड़की है, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल हैं, ये पर्सन आपका जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, भले एक्सप्रेसिव नहीं हैं, या ये पर्सन अपने फादर से अपने फैमिली से परमिशन लेकर आपकी ओर बढ़ेंगे। वापस से ये पर्सन आपके रिश्ते में एफर्ट्स करना, वर्क करना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए ये नहीं देखेंगे कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो, भले ही आज आप दोनों के बीच खामोशियां हैं, भले आप दोनों के बीच दूरियां हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप दोनों के बीच ही नहीं हो रहे हैं बातचीत, बट आपने प्यार किया है, जो आप में प्यार है वापस से जगाना चाहते हैं, क्योंकि अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दब गया है, अंदर रह गया है, उस प्यार को ये पर्सन जगाना चाहते हैं, वापस से आप में प्यार लाना चाहते हैं, खुद के लिए प्यार वाली एनर्जी देखना चाहते हैं, जिस तरह से पहले देखते थे, जिस तरह से आप पहले इनको प्यार करते थे देते थे, इस पर्सन को वो चाहिए, आपका प्यार का इस पर्सन को ज़रूरत है, नीड है, ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, तो जो भी ये पर्सन मुझे आपका जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल कर, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर ये आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी से बाहर मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ये पर्सन जस्टिस करेंगे आपके साथ, डेफिनेटली फैसला आपके हक में होगा, आपके रिश्ते को सेकंड चांस मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने डिमांड किया है इनसे, इस पर्सन से, ये पर्सन फुलफिल करेंगे या तो आपसे डिमांड करेंगे आपका साथ पाने का, आपके सपोर्ट का। ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।